कोरोना महामारी के दौरान अब स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को जीआरपी थाना पुलिस भोजन उपलब्ध करवाएगी। कोरोना के संकट काल में जीआरपी पुलिस का फर्ज दो तरह हो चल रहा है। जीआरपी पुलिस स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग व सुरक्षा भी कर रहे हैं तो दूसरी ओर मानव सेवा कर रहे हैं। कोरोना काल में कई यात्री मुसाफिर ट्रेनों में एक जगह से दूसरी जगहों पर आवाजाही कर रहे हैं, ऐसे समय में घंटों स्टेशनों पर इंतजार कर रहे हैं। उनका दो वक्त का भोजन मुहैया करवा रहे जीआरपीएफ थाना प्रभारी व पुलिसकर्मी भी सेवा भाव के काम में हाथ बटा रहे हैं। सैकड़ों मुसाफिर ट्रेनों से सफर कर एक जगह से दूसरे शहरों के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनको भोजन इत्यादि की परेशानी ना हो, इसलिए हमने यह भोजन वितरण पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था कर दो वक्त का भोजन मुहैया मुसाफिरों को करा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि हमारा सोचना यह है, जब कोरोना कर्फ्यू है तब तक कोई भी इंसान और यात्री भूखे पेट ना सोए, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हमारे एडीजी सर रेल और आईजी सर रेल, हमारे एसपी सर, एडिशनल एसपी सर द्वारा हमारे समस्त स्टाफ को जो कोविड महामारी है उसमें हमारे समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा हेतु उपाय बताए गए हैं। समय समय पर उनके द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं और आने जाने वाले यात्रियों का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में आज हमारे जीआरपी थाना उज्जैन के समस्त स्टाफ द्वारा यहाँ पर आने जाने वाली यात्रियों एवं ज़रूरतमंद यात्रियों को भोजन का वितरण किया गया है, जो अब हम इसको लगातार जारी रखेंगे, जिसमें हम दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन इनको उपलब्ध कराएंगे और इसमें जन सहयोग या फिर किसी एनजीओ की मदद भी ली जाएगी।